नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केके ढाबा। मैं हूँ किरण कौर फहार। वादे के मुताबिक आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ टी ई से जुड़ा वीडियो। मुझे देर नहीं करनी और फटाफट से आपके सवालों का जवाब देना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप सभी लोग बहुत निराश हैं क्योंकि हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है। एक बार एक टीचर थे, उनकी क्लास में बच्चे सब खुश थे, सब पढ़ाई करते थे, लेकिन एक बच्चा बहुत सैड रहता था। उन्होंने एक बार देखा, दो बार देखा, बट फिर उनको लगता रहा कि वो बच्चा जो है वो बहुत सैड रहता है। तो उन्होंने एक दिन उसको बोला कि जब शाम हो जाए तो मेरे घर आना। तो बच्चा घर पहुंच गया। अब जब उसके उनके घर पहुंचा तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या बात है। तो बोला कि कोई बात नहीं, उसने कुछ रीज़न नहीं दिया। तो टीचर बोले कि बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। वो गए और उन्होंने अंदर शिकंजी बनाई। शिकंजी बनाते बनाते उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया। और जैसे ही वो नमक मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, घुल लिया उन्होंने, उसके बाद वो उस बच्चे के पास गए और उन्होंने क्या किया कि उस बच्चे को वो दे दिया। अब जैसे ही उस बच्चे ने उस ग्लास में जो शिकंजी थी उसको पिया, तो उसको बहुत नमक लगा और उसने अजीब सा मुंह बनाया। तो टीचर ने पूछा कि क्या हुआ। तो बच्चे ने कहा कि सर कुछ नहीं। तो बोले नहीं नहीं बताओ, तुमने थोड़ा अलग फेस बनाया था। तो उन्होंने बताया उनको, बच्चे ने बोला कि सर कुछ नहीं, बस इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया है। तो टीचर बोले ओ लाओ लाओ मुझे दे दो, मैं इसको फेंक देता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरी बना देता हूँ। तो बच्चे ने बोला नहीं नहीं सर, नमक ही तो ज़्यादा हुआ है और इसमें अगर हम थोड़ी सी चीनी मिला देंगे तो ये ठीक हो जाएगी। सो टीचर ने बोला कि जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, वो बिल्कुल इसी सिचुएशन की तरह है। हमारी लाइफ में भी कभी कभी कड़वाहट आती है, लेकिन उसमें मिठास कैसे भरनी है ना, ये हमें पता तो होता है लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं होते। तो हम सभी लोग जो टी की प्रॉब्लम झेल रहे हैं ना, हम बेवजह खुद को परेशान कर रहे हैं। जब आपको ये पता चल रहा है, मैं आपके सामने जीता जागता सबूत हूँ कि टी की प्रॉब्लम है तो वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। तो इस चीनी को ना, इस डोज को ले लीजिए और अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल हो जाइए, खुश हो जाइए। बिकॉज कहीं ना कहीं देखो, कोई मदद नहीं करने आता जब डिप्रेशन होता है ना। आई एम वेरी सॉरी कि मुझे सुशांत जी का एग्जाम्पल देना पड़ रहा है और आज वो हम सबके बीच में नहीं है। इतना बड़ा स्टार, इतना अच्छा स्टार हम सब ने खो दिया जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। और पता नहीं किन हालातों में वो होंगे जब उनके साथ ऐसा हुआ होगा, या वो क्या सोच रहे होंगे उस दौरान, कौन सी टेंशन उनके दिमाग में चल रही होगी और इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया होगा। मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी स्टेज लाइफ की लास्ट स्टेज नहीं होती है। बजाय कि वो ऊपर वाला जो बंदा है ना, ऊपर वाला जो खुदा है, वो हमें अपने पास नहीं बुलाता। इसलिए तनाव में आने की, कुछ भी अपने लिए नेगलेक्ट सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो मैंने मिठास वाली आपको बात बताई है ना, वो मिठास अपने ज़िंदगी में आपको खुद लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आपको अपने अंदर से खुद अपनी मदद करनी होगी, खुश रहना होगा और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इसे वक्त पे छोड़ते हुए अपने अंदर ही हैप्पीनेस ढूंढनी पड़ेगी। तो चलिए आज के सवालों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं, मैं कम्युनिटी वाली जो फोटो थी उस पे जो सवाल आया ना, वो ले लेती हूँ पहले। दीक्षा सिंह का सवाल है पहला, हेयर डाई चार्ट ऑन टी ई एंड माई हेयर फॉल इज मोर इंक्रीज इन समर एंड इन मॉनसून टू, प्लीज सजेस्ट द सॉल्यूशन ऑफ इट एंड ओजीवा बायोटिन रिव्यू। कि ओजीवा बायोटिन रिव्यू का क्या चक्कर है, क्यों सब इसके बारे में पूछ रहे हैं। चलिए मैं इसको होल्ड पे रखती हूँ और डेफिनेटली मैं इसके बारे में जवाब दूंगी। अच्छा, आपने लिखा है कि मॉनसून और समर में आपके बाल टूटते बहुत ज़्यादा है ना, तो ऐसा तो कोई है नहीं आई थिंक कि आपको टी वाली प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मॉनसून में ना ऐसा होता है, बाल झड़ते हैं। आप किसी से भी पूछ के देखिएगा, मॉनसून की प्रॉब्लम ऐसी होती है। असल में क्या है कि मॉनसून में ना बाल ठीक से सूख नहीं पाते हैं, है ना। अगर हम हेयर ड्रायर से बालों को सुखाते हैं तो फिर वो बहुत हीट पड़ती है बालों पे, और अगर हम उसे नॉर्मल ऐसे ही हवा में छोड़ते हैं तो इतना मॉइस्चर होता है, नमी होती है हवा में, कि बाल ठीक से सूख नहीं पाते। फिर हम उन्हें ऐसे ही टाई कर लेते हैं ना जब, तो वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो जो है वो टूटने लग जाते हैं। तो कोई ऐसा डरने की बात नहीं है, नॉर्मल है, आ जाएंगे बाल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
यास्मिन खान ने लिखा है, हेदी के टी की प्रॉब्लम में केमिकल फ्री शैम्पू यूज करना जरूरी है। आपने भी केमिकल फ्री शैम्पू यूज किया था? नहीं, कोई जरूरी नहीं है टी की प्रॉब्लम में केमिकल फ्री शैम्पू यूज करो। मैंने तो नहीं किया, मैंने तो बताया भी था आपको कि मैंने डव पहले भी यूज किया था और अभी भी मैं डव यूज करती हूँ। कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि केमिकल फ्री करो, ये तो बड़े चोचले से मार्केट ने चला दिए, ऐसे कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आमिरा खान, हेयर फॉल रोकने के लिए अच्छी डाइट और शैम्पू बताइए प्लीज, जिससे कि कम हेयर फॉल हो। आमिरा खान का शायद मैंने कल भी रिप्लाई किया था। आमिरा देखिए, आप ना शैम्पू में फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो भी आपको सूट कर रहा हो, चाहे आपको सनसिल करता हो, डव करता हो, या फिर और कौन सा आते हैं भाई, डव, सनसिल्क और क्लिनिक प्लस, हेयर एंड शोल्डर, जो भी सूट करता हो वो बहुत अच्छे शैम्पू होंगे, क्योंकि हर किसी के बालों का टेक्सचर भी तो अलग होता है ना। जैसे किसी का, अगर मुझे ऐसा लगता है कि क्लिनिक प्लस है या हेयर एंड शोल्डर है, उनको बहुत अच्छा सूट करता है जिनके बाल थोड़े से ऑयली होते हैं, तो जो भी सूट करता हो। अच्छा, खाने वाली बात जो है उसमें मैं फिर से बता रही हूँ, मखाने खाइए, चुकंदर खाइए, दालें खाइए, दालें कोई सी भी दाल है वो खाइए, पनीर खाइए, अगर आप नॉनवेज खा सकते हो तो फिश खाइए। ये बेसिक सी बातें हैं, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। दाल मतलब जैसे आप रोटी खाते हो ना दिन में, तो कोशिश करो कि दिन में एक बाउल दाल खा लो। जैसे तीन रोटी खाते हो तो दो रोटी कर दो और उसको एक एक बाउल भर के आप दाल ले लो, है ना। ऐसे पनीर का है, जैसे सपोज कि अगर मान लो आप दिन में दो ग्लास दूध पीते हो, एक ग्लास दूध पीते हो, है ना, तो वैसे तो आप दूध पीते रहो, लेकिन दो दिन के बाद में या तीन दिन के बाद में ऐसा करो कि वो जो दूध का ग्लास है उसको उबाला और उसके अंदर थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया, तो वो पनीर बन जाता है। उसको थोड़ी देर के लिए मतलब निथार लो उसका पानी, और उससे आप जो है उसको पनीर के तरीके से खाओ, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। और इफ़ यू कैन अफोर्ड, यू कैन गो फॉर ड्राई फ्रूट्स ऑल्सो। तो यहाँ के तीन ही कॉमेंट्स थे, है ना, तो मैं अब नेक्स्ट पे आ जाती हूँ। कल वाले वीडियोस पे कमेंट ले लेते हैं ना। अर्णव शर्मा जी ने लिखा है, हाइदी मैं 20 साल की हूँ। अच्छा, शायद अकाउंट किसी बॉय के नेम से है और ये लड़की है, फीमेल है। मुझे भी आपकी ही तरह है, अपने हेयर से बहुत प्यार है, मुझे आपके जैसा ही हेयर फॉल हो रहा है, ये कंडीशन मुझे 2 साल से हो रही है, मैं थक गई हूँ, मुझे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, नहीं है ना, मैंने डॉक्टर्स के यहाँ खूब पैसे खर्च किए हैं, मेरा ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है। आपने हेयर फॉल का रीज़न नहीं जान पा रही, अपने हेयर फॉल का रीज़न नहीं जान पा रही, 50-60% हेयर खो चुके हूँ मैं, अब तो हेयर शेविंग तक का मन बना लिया है, क्या करूँ, प्लीज़ रिप्लाई माई कॉमेंट। 20 साल की उम्र में इतनी टेंशन कोई लेता है क्या? मुझे तो नहीं समझ में आता कि आपको इतनी टेंशन लेनी चाहिए इतनी कम उम्र में। कल भी शायद किसी का कमेंट था जो 19 या 20 साल के थे, यार इतनी कम उम्र में आप ऐसे इतना सोच लेते हो कि मैं अपना हेड शेव करा लूं और मेरे को तो पता नहीं क्या हो गया। मैं तो लड़कियों को इतना बालों को फ्लॉन्ट करते हुए देखती हूँ और ऐसे लहराती हैं, मार गजब लड़कियां रहती हैं, और आप हो कि बस इतना परेशान हो रहे हो। यार वक्ती है, टी की प्रॉब्लम वक्ती है, मान लो, घुट्टी पी लो इस बात की कि सब ठीक हो जाएगा, और इतनी कम उम्र में परेशान नहीं होते। इतनी कम उम्र में ना मस्ती करते हैं, अलग अलग दुनिया में अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचते हैं, करियर के बारे में सोचते हैं, क्या दुनिया से हटके कर सकते हैं इस बारे में सोचते हैं। आपकी आंखों में एक स्पार्क होनी चाहिए, है ना, एक स्पार्क जो आपको दूसरों से हटके अलग बनाए। 20 साल की उम्र में यार कौन टी की टेंशन लेता है, मतलब एक मैं टी की टेंशन 20 साल में लगता तो होगा कि बाल अगर अच्छे होते हैं तो थोड़ा सा फील होता है, लेकिन यार टेंशन नहीं लेनी आपको 20 साल की उम्र में। जब आगे धीरे धीरे और बढ़ोगे ना, जब मतलब लाइक व्हेन यू गेट मैरिड और भी बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में, तो पता चलेगा कि टेंशन तो भैया बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। अभी से थकने की क्या जरूरत है, परेशान नहीं हो, अपनी आंखों में एक स्पार्क, मिरर के पास जाओ, खुद को देखो एंड फील करो कि क्या वाकई परेशान होने की जरूरत है। अपने अंदर वो स्पार्क देखो, अपनी आंखों को देखो, यार यू आर द ब्रिलियंट वन। आपको पता है जब आप कुछ एक रोटी बनाते हो या आप एक खाना बनाते हो, तो बड़ी शिद्दत से उसको बनाते हो, बड़ा दिल लगा के बनाते हो, ऐसे ही गॉड ने हम सबको बनाया है, वो ईश्वर है ना, उसने हमको बड़ी मेहनत से बनाया है। आपने देखा है उसकी कलाकारी इतनी मस्त है कि हम सब में, मतलब इतने करोड़ों लोग हैं हम दुनिया में, अरबों लोग हैं हम दुनिया में,
हमारे किसी की शक्लें नहीं मैच करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो कारीगर ना इतना धुरंधर है कि उसने जो है ना हम सबको डिफरेंट बनाया और बड़ी शिद्दत से बनाया है, तो उसने हमारे खाते में भी ना कुछ लिख रखा है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक, मेघा ने मुझे थैंक यू बोला है, थैंक यू मेघा। अंजू मीना जी दी, मुझे भी टी है, जुलाई 2019 में मुझे ये प्रॉब्लम हुई और उसके बाद मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, तो 5 मंथ तक मैंने मेडिसिन ली, फिर मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई थी, पर मैंने फरवरी 2020 में मेडिसिन छोड़ दी, उसके बाद ये प्रॉब्लम वापस स्टार्ट हो गई, अब वापस बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है दी, प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करें। देखो अंजू है ना, अंजू एक्चुअली क्या है कि मैंने ना मेडिसिन नहीं ली थी, मतलब मैंने एलोपैथी नहीं ट्राई किया था, बाकी मैंने मतलब होम्योपैथी में मैंने ट्राई किया था, बट मुझे इस बात का आइडिया नहीं है कि वो कौन सी मेडिसिन देते हैं और किस तरीके से ठीक होता है। अब मे बी कि असल में मैं मेडिकल फील्ड में तो क्या बोलूँ ना, मेडिकल फील्ड की तो देखो मेरे को नॉलेज नहीं है, और किसी भी फील्ड में ऐसे ही झूठ मूठ में कुछ किसी को बता देना ना मेरे को बहुत फॉल्ट लगता है कि मैं गलत बताऊं किसी को भी, है ना, मतलब अगर मेरे किसी सजेशन से आपको नुकसान हो, तो मैं आपको ना एक ये सजेशन देती हूँ कि जब भी लॉकडाउन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लॉकडाउन नहीं मतलब ये कोरोना वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और या फिर अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो तो अपने एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट कीजिए और उनको बताइए कि मैंने ऐसे से दवा छोड़ दी थी तो मुझे दोबारा से इसकी स्टेज जो है वो फिर से आ गई है और मैं हेयर लॉस कर रही हूँ, है ना, फिर वो आपको चाहे वो भले ही वो ही कहें कि आपको आना पड़ेगा या ऐसा करके, तो अगर आपकी उनसे अच्छी ट्यूनिंग है और आप अच्छे से बात कर ले जाते हैं तो उनसे एक डाइट चार्ट बनवा लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। सुशांता चटर्जी, मैम आई हैव टेलीजन एफ्यूम, आई हैव लॉट ऑफ हेयर फॉल, इवन माई न्यू रीग्रो हेयर ऑल्सो फॉलिंग, इज इट नॉर्मल? येस डेफिनेटली इज इट नॉर्मल, तो येस हाँ नॉर्मल है भाई, नॉर्मल है। पहले तो मुबारक है यार, बाल आने तो शुरू हुए कम से कम, वो जो फेज है ना, देखो मैंने कल भी यही बताया था, मैं आज फिर वही रिपीट कर रही हूँ कि वो जो फेज है ना वो निकल गया जिसमें कि आप सिर्फ खो रहे थे, अब आपके आपको बाल आ रहे हैं, तो अभी अभी आपको उस रोने धोने पे नहीं रुकना है, अभी आपको इस पे स्विच करना है और आपको अपनी डाइट को हेल्दी बनाना है ताकि जो बाल टूट रहे हैं ना वो टूटना बंद हो जाए। हालांकि यार घबराने की बात नहीं है, वो बाल इतने कच्चे होते हैं, इतने मुलायम होते हैं, वो नए नए आपने देखा एक छोटा सा बेबी होता है उसको कितने प्यार से मारती है, उसको अच्छे से नहलाती है, उसको अच्छे से मालिश करती है, बहुत कोमल कोमल उसके ऊपर हाथ चलाती है, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है, ऐसे ही बाल होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, छोटे 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 बाल निकलते हैं जब, तो वो जो कोमल बाल है ना उनको किसी भी हार्श ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, उनको आप अच्छे से हल्के हाथों से मसाज कीजिए, नॉर्मली जैसे सिर धोते हो वैसे सिर धोइए, गीले बालों में कंघी मत करो, है ना, और बालों को ना हमेशा ऐसे करके बाओ, ऐसे करके, यू नो ऐसे करके, मतलब जैसे बाल धुल गए फिर आपने कंघी कर ली एंड देन आफ्टर दैट ना ऐसे करके बालों को ऐसा फोल्ड करके, मतलब ऐसे सिर करके ना तब कंघी करनी चाहिए, उससे बहुत अच्छा फ्लो बनता है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। भावना ने भी हमें थैंक यू बोला है कल के रिप्लाई के लिए, तो भावना जी आपका वेलकम है। पूजा तराई ने भी हमें आंसर देने के लिए बोला है, थैंक यू, आपका भी स्वागत। आमिरा खान का यहाँ पर सवाल है, मैंने ये जवाब दे दिया तो मैं यहाँ नहीं पढ़ रही हूँ। निधि, मैम आई एम सफरिंग फ्रॉम टी, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिसंबर, माई 70% हेयर हैज गॉन फ्रॉम टॉप एंड बैक साइड ऑफ हेड, आई एम यूजिंग कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, आई एम टेकिंग सप्लीमेंट एंड गुड डाइट, माई हेयर फॉल हैज नॉट डिक्रीज, मैनी बेबी हेयर्स आर विजिबल एंड एट फ्रंट नॉट टॉप। अच्छा, आपने कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल ये सब एक साथ लगा लिया क्या? अगर ऐसा किया तो ये तो गड़बड़ कर दिया है। अच्छा, और फिर आपने बोला है सप्लीमेंट, तो डियर सप्लीमेंट्स के बारे में मैं नहीं कहना चाहती हूँ कुछ भी, क्योंकि सप्लीमेंट्स ना अगर आपने डॉक्टर के सजेशन के बिना लिए हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो आपकी बॉडी को देखते हो, अगर आपके डॉक्टर ने रेकमेंड किया है तो आप उनके साथ जाइए, अगर आपने अपनी मर्जी से लिया है तो उसका उसका कुछ ना कुछ तो नेगेटिव इफेक्ट होगा। अच्छा, एक चीज़ और कि आप सब लोग लिखते हो कि हमारे बेबी हेयर टूट रहे हैं या हमें टी की प्रॉब्लम है, तो ये भी होता है, मैंने कभी ये चीज़ नहीं जिक्र किया आपसे, लेकिन ये भी बात होती है कि जो ना हम कई स्पेशल तरीके की दवाइयाँ भी लेते हैं उससे भी हमारे बाल झड़ सकते हैं,
तो जब भी आप किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए जाए ना, तो एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये हर किसी के लिए, सिर्फ टीई वालों के लिए नहीं है, आपको कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, आपको आप जब भी डॉक्टर को जाए उन्हें सब सच सच बताएं। लाइक आपको अगर डायबिटीज़ है वो बताइए, आपको बीपी की प्रॉब्लम है वो बताइए, कभी पास्ट में कोई सर्जरी हुई थी वो बताइए, कोई दवाइयाँ लेते हैं वो बताइए, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप कोई नशा करते हो आपको वो भी बताना चाहिए, शराब पीते हो वो बताइए, सिगरेट पीते हो वो बताइए, किस तरीके की और ड्रग अगर आप लेते हो तो वो बताइए, आपको बताना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर से अगर छुपाया तो फिर सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा, है ना। तो अगर कोई भी मेरे यहाँ पे कमेंट, अच्छा बाल शराब पीने और सिगरेट पीने से भी झड़ते हैं, है ना, तो प्लीज़ इस सब चीज़ों को भी अवॉइड कीजिए, है ना। अच्छा ये मैंने निधि के कमेंट में नहीं बताया, निधि के लिए तो मेरा यही कहना है कि जो सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे ना, अगर डॉक्टर ने सजेस्ट किया तो वो ठीक होंगे, आप एक बार उन्हीं से सजेशन लीजिए और खुद पे भरोसा रखिए, है ना, परेशान नहीं होना है। आकांक्षा कुमारी ने लिखा है कि दी थैंक यू फॉर रिप्लाईज। सो या मुझे आपसे पूछना था कि कभी मेरा 50 हेयर गिरता है, कभी 100, कभी 150, ये टी है ना। देखो टी के लिए मैंने कंडीशन बताई ना कि अगर आपने कोई बीमारी झेली हो, आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो, आपने कोई कोई ट्रॉमा झेला हो, आप कोई स्पेशल तरीके की दवाइयाँ लेते हो या फिर आप नशा करते हो तो आपको टी होता है। तो और अगर आपको टी हो गया और आप ये शराब और सिगरेटें पी रहे हो ना, ठीक नहीं होने वाला, मैं पहले बता रही हूँ, छोड़ देना लड़के लोगों, मतलब लड़के क्या यार सभी, मतलब अरे यार नेगेटिव मत ले लेना, मतलब मैंने जस्ट एक ऐसे ही बताया है। पूर्वी पटेल जी का जो सवाल है ना, पूर्वी मैंने पहले भी किसी और के सवाल में भी ये जवाब दिया है, कंटिन्यू नहीं रहेगा, असल में वो मैंने बताया ना कि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो वो हमें देख के लगता है, आपको क्या पता कि वो वही बाल गिरा है जो कि वो आपका नया आया था, तो असल में क्या होता है कि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और हम जो भी प्रेशर देते हैं, चाहे वो हम ऑयलिंग करते हैं, चाहे वो धोते हैं या फिर हम चोटी बनाते हैं ना, तो वो सॉफ्ट वाली बेचारे गिर जाते हैं, तो इसलिए है, लेकिन धीरे धीरे उनमें मजबूती आएगी। हर चीज़ को समय लगता है ना, जैसे हमारे हम जब पैदा होते हैं तो हमारी हड्डियाँ बड़ी कमजोर होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ उनमें मजबूती आती है और फिर हमारी बोन्स जो होती है बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो ऐसे ये बाल हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मनीषा गुप्ता, दीदी मैं 24 ईयर्स की हूँ, मुझे टीई बहुत परेशान हो आप, तो ठीक हो जाएगा, इतने छोटे हो, इतनी परेशानी मोल ले रखी है, 24 साल में कोई इतना परेशान होता है मनीषा? ऐसे नहीं करते, 1 साल 3 महीने हो गए हैं प्रॉब्लम को, थोड़ा लंबा चलता है किसी के साथ ना, पता नहीं आपने कैसी डाइट ली हो, कितना अपने अंदर न्यूट्रिशन हो, कई बार आयरन की कमी से भी ऐसा हो जाता है ना, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, और बाल तो आपके बहुत झड़ रहे हैं। अच्छा एक चीज मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपने क्या किसी डॉक्टर को सजेशन लिया है किसी डॉक्टर से? अगर नहीं हुआ ना तो आप एक बार जो है, अगर नहीं लिया अभी तक तो एक महीने के लिए, सिर्फ एक महीने के लिए रेगुलर जो है एक गिलास चुकंदर का रस पीना है। रस मतलब कैसे करना है, या तो चुकंदर खा लेना अगर आप खा सकते हो, जैसे मैं नहीं खा पाती हूँ, तो आप चुकंदर खा सकते हो तो खा लो, अगर नहीं खा पाते हो मिक्सी लेना, उसमें चुकंदर डाल देना काट के और पानी डाल देना एक गिलास, उसको चला लेना, जब वो चल जाए छान के एक गिलास जूस पी लो, ठीक है। और मखाने रोस्ट करके खाना, उसका वीडियो मेरे चैनल पे आप देख सकते हो, मखाने आधा कटोरी मखाने खाना और एक कटोरी दाल, मतलब ये तीन चीजें आप करके एक महीने बाद मेरे को बताओ,
एक महीना आज लगा लो, आप 23 जुलाई है, आप मेरे को 23 अगस्त को बताना, अगर नहीं हुआ ठीक ना तब फिर हम देखते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, देखते हैं फिर कैसे रहता है, अगर नहीं होगा ठीक ना तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से और होम्योपैथी डॉक्टर से भी आप लोगों के लिए सजेशन लेके आऊँ, अगर मेरे को कुछ मदद मिल पाई तो मैं ज़रूर आपको भी उनसे मुखातिब कराऊंगी। सना खान बोल रही है, दी मैंने आपसे पहले भी कमेंट करके पूछा था कि आप क्या टी की प्रॉब्लम में डव शैम्पू ही यूज़ करती थी या कोई केमिकल फ्री शैम्पू यूज़ किया था, मुझे केमिकल फ्री शैम्पू नहीं मिल रहा है तो क्या मैं वही यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा जैसे हाँ ये मेरे को याद आई एक बात कि मैं भी केमिकल फ्री की तरफ जाना चाह रही थी, जब मुझे टी हुआ था तो मुझे भी ऐसा कुछ सच मिल नहीं रहा था, तो मुझे किसी ने बोला था कि जॉनसन बेबी जो है वो लगा लो, पर मैं रिकमेंड तो नहीं करती क्योंकि मैंने लगाया नहीं था तो, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है और आप चाहते हो लगाना तो एक बार लगा के देख सकते हो। अच्छा अब हम ना एक बड़ा मजेदार कमेंट पढ़ेंगे और इसके बाद हम जो चैनल ये वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। सपना शर्मा जो थी ना वो हमारी हीरो है आज के इस वीडियो की। सपना ने देखो बहुत अच्छी बात लिखी, दीदी मेरी हेयर फॉल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहली बार ऐसा कमेंट आया है पता है मेरे चैनल पे और जिसमें कोई इतनी खुश है, मतलब ये स्टार है हमारे आज की वीडियो की। थैंक यू सो मच दीदी, आपने टी की वीडियो बनाई, जब भी बहुत टेंशन होती थी आपकी वीडियो देखती थी और जिसके कारण मेरे टेंशन कम ली और अच्छे से खाना खाया। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड लव यू। मतलब जब मैंने ना ये कमेंट पढ़ा ना, मतलब आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड कि यार कोई उधर बैठा हुआ बंदा है ना उसके में काम आ गई, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई इस वीडियो कमेंट को पढ़ के और मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई। मतलब क्या बोलो कि किसी के काम आ पाई यार आप, और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी बंदे मेरे वीडियो पे आके कमेंट कर रहे हैं, जितने भी बंदे मेरे वीडियो देखते हैं, जितने भी बंदे हमारे वीडियोस में हमारे साथ इंटरेक्शन करते हैं ना, उन सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उन सब वो सारे लोग आके ना मेरे को ये बात बोले कि हमारी प्रॉब्लम ठीक हो गई, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आप लोग कितने परेशान होंगे, आप लोग कितना सोच रहे होंगे, आप लोगों को कितना डर लग रहा होगा। बाल्ड होना वाकई एक प्रॉब्लम है, हर किसी को डर लगता है कि यार मेरा लुक बदल जाएगा, मेरी अभी शादी भी नहीं। अच्छा मैं आप लोगों को कह देती हूँ कि आप 20 साल के हो, आप 22 साल के हो, आप क्यों परेशानी ले रहे हो, लेकिन वो जो यंग एज होती है ना उसमें आप अपने लुक को ही तो ज़्यादा से ज़्यादा देखते हो ना कि हाँ मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ, और उसी यंग एज में बेचारे बच्चों के बाल जा रहे हैं। तो मतलब मैं समझती हूँ यार, मैं सब समझती हूँ, मुझे 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 दिल से फील होता है कि आप कितने परेशान हो। एंड जब सपना का ये कॉमेंट आया ना, मतलब मेरे को बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उनसे ही सबने इंटरेक्शन किया कि भाई कैसे कैसे किया और क्या किया। तो देखो सपना ने भी क्या बात बोली है, सपना ने भी सेम बोला कि मैं आपकी वीडियो देखती थी, मैंने टेंशन कम ली। फर्स्ट बात, उन्होंने टेंशन कम ली और अच्छे से खाना खाया। दो बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि टेंशन नहीं लो, अच्छे से खाना खाओ, डाइट मजबूत करो और सब ठीक हो जाएगा। तो मेरी स्टार है सपना आज की, और मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी उनको कि भाई आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई हमारी वजह से, कह लीजिए नहीं हमारी वजह से नहीं, ऊपर वाले की वजह से। ऊपर वाला जो है ना वो सब करवाता है, हम तो बस एक जरिया हैं। तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको खुश रहना है, आपको अच्छे से खाना है, आपको मेरे से इंटरेक्ट करना है, आप आइए, मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ, और बिल्कुल परेशान नहीं होना है। को यही वाइंड कर रही हूँ, और वाइंड अप करने से पहले आप सभी को यही बोलूंगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ये था मेरा आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।